सो हे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा मोटो G6 को और उसके साथ कंपेयर करूंगा Asus Zenfone Max Pro M1 को। काफ़ी धमाकेदार होने वाली है ये वीडियो, सो लेट्स गेट बी स्टार्टेड। तो दोस्तों चलिए हम कंपेयर कर लेते हैं मोटो G6 को और कर लेते हैं Asus Zenfone Max Pro M1 को, कौन इसमें आपको विनर रहेगा। और इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों को कंपेयर करके फुल स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, प्राइस बताऊंगा। दोस्तों जो है इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है मोटो G6 को, तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर दें। तो सबसे पहले आते हैं डिस्प्ले में। तो मोटो G6 में आपको मिलती है 5.7 इंचेस की डिस्प्ले, वहीं बात करें एसूस में तो आपको इसमें मिलती है 5.99 इंचेस की डिस्प्ले। और यहाँ पर आपको 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ दोनों में ही डिस्प्ले देखने को मिलती है। बट मोटो G6 में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, लेकिन Asus Zenfone में नहीं दिया जा रहा है। वहीं बात करें OS की, तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 8.0 में ओरियो में अपडेट मिलेगा मोटो G6, और Asus Zenfone में बात करें 8.1 ओरियो का अपडेट देखने को मिलेगा। लेकिन प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर बहुत कम दिया जा रहा है मोटो G6 में। 450 का प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन 450 का प्रोसेसर दिया जा रहा है। वही बात करें Asus Zenfone में, तो इसमें काफ़ी अच्छा प्रोसेसर दिया जा रहा है। इसकी प्राइस के मामले में 636 का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर दिया जा रहा है Asus Zenfone में। अब Moto G6 ने क्या सोच के ये प्रोसेसर दिया है, काफ़ी पुराना प्रोसेसर है, काफ़ी बेकार प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर किन फ़ोन्स में आता है, 5 से 10 हज़ार फ़ोन्स, लेकिन इस प्राइस में ये प्रोसेसर अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा पुराना प्रोसेसर दिया जा रहा है। वहीं बात करें यहाँ पर कैमरे की, तो मोटो G6 में दिया जा रहा है 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल, और Asus Zenfone में बात करें 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का दिया जा रहा है कैमरा। और यहाँ पर आपको बात करें फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरा मोटो G6 में दिया जा रहा है 8 मेगापिक्सल का, और Asus Zenfone में भी दिया जा रहा है 8 ही मेगापिक्सल का। और देखते हैं और यहाँ पर क्या आपको स्पेसिफिकेशन मिलती है। आपको दोनों में ही फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा रहा है आपको। और देखते हैं बैटरी दी जा रही है मोटो G6 में 3000 mAh की बैटरी, और Asus Zenfone Max Pro M1 में दी जा रही है 5000 mAh की बैटरी। तो बैटरी के मामले में भी Asus Zenfone Max Pro M1 बहुत ऊपर है, और जबकि मोटो G6 में सिर्फ 3000 mAh की बैटरी दी जा रही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको Asus Zenfone में माइक्रो डेडिकेटेड स्लॉट भी दी जा रही है, यानी आप 2 SIM और 1 कार्ड को साथ में यूज़ कर सकते हो। और मोटो G6 में आप तो 1 SIM या 1 कार्ड यूज़ कर सकते हो या 2 SIM। और इसकी बात करें प्राइजिंग की, तो मोटो G6 आते हैं 2 वेरिएंट पे, 3GB, 32GB, 4GB, 64GB, और Asus Zenfone भी आता है 3GB, 32GB, 4GB, 64GB का। और यहाँ पर बात करके हैं स्टार्टिंग प्राइस, तो मोटो G6 की स्टार्टिंग प्राइस है 3GB, 32GB वाला, वो है 14,000, और Asus Zenfone 3GB, 32GB वही वेरिएंट मिलेगा 13,000 का, यानी 13,000 का। तो ऐसे में आप सोच लीजिए 1,000 ज़्यादा मोटो G6 Asus Zenfone के हिसाब से 1,000 ज़्यादा है। तो ऐसे में मेरे हिसाब से मोटो G6 काफ़ी अच्छा नहीं है, और Asus Zenfone काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू मोटरोला मोटो G6। मोटो G6 यार क्या स्पेसिफिकेशन, क्या सोच के स्पेसिफिकेशन दी। हाँ इसकी स्टाइल काफ़ी अच्छी है, लुक काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, प्रीमियम लुक देखने को मिलता है, बट इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है इसके कंपेयर इसके स्पेसिफिकेशन की। तो इसमें आपको कम स्पेसिफिकेशन, बहुत कम स्पेसिफिकेशन मिलती है कंपेयर देन Asus Zenfone, क्योंकि यहाँ पर Asus Zenfone ने एक अच्छी जगह बना लिया है मार्केटिंग में। तो देखते हैं क्या कर पाता है मोटो G6। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।